तो पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के लिए आज से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में से 10 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बाकी 10 सीटों पर मतदान 8 बजे से शुरू होगा। तो मतदान का दिन आज और आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम की सीटों के लिए वोटिंग शुरू है और मिजोरम की सभी सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। 40 सीटों पर यह मतदान चल रहा है। वहीं 20 सीटें छत्तीसगढ़ की जहां पर मतदान होना है, यह जानकारी मिली है कि 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 10 पर 8 बजे से मतदान शुरू किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव की जो पहली वोटिंग है वो आज से शुरू हो चुकी है और आज इन दो राज्यों में मतदान शुरू हुआ है। एक मिजोरम जिसकी 40 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जहां पर 20 सीटों के लिए आज मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो हालात है उन सबको देखते हुए सिक्योरिटी पूरी तरह से तैयार की गई है और चुनाव संपन्न कराने की तैयारी। तो छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों पर दो चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में आज 20 सीटों पर मतदान होना है। इस दौरान 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल 40,78,681 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और ये देखिए पूरी जानकारी आपको दे रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 20 विधानसभा सीटों के लिए आज होनी है वोटिंग और कुल उम्मीदवार है 20 विधानसभा सीटों पर 223। मतदाता कितने हैं? 40,78,681 मतदाता आज 20 विधानसभा सीटों में वोटिंग करेंगे। ये पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है ये भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ और 5 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग है 20 विधानसभा सीटों के लिए। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। 40,78,681 मतदाता आज वोट करेंगे।